फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश क्लासरूम पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हैव का कॉन्सेप्ट, हैव का फुल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हैव क्या है। हैव है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब वे वर्ब होती है जो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है और मेन वर्ब का भी काम करती है। ठीक है, बी मैंने पहले अलग क्लास में पढ़ा दिया था, फिर मैंने पिछली क्लास में टू पढ़ाया, अब नंबर आता है हैव का। तो हैव जैसा कि आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। ठीक है, जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बनता है, जब ये कोई मेन वर्ब है तो इसकी फॉर्म भी होगी, जैसा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है भाई साहब? फर्स्ट फॉर्म ना होती, सबसे पहले किसी भी वर्ब की बेस फॉर्म होती है बेस। ठीक है, बेस फॉर्म खुद हैव है। इसकी फर्स्ट फॉर्म हैज या हैव, सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म है हैड। ठीक है, यानी कि सेकंड फॉर्म भी हैड, थर्ड फॉर्म भी हैड। अब हैज, हैज क्या है? हैज ए सिंगुलर वर्ब और हैव है प्लूरल वर्ब, और हैड को सिंगुलर प्लूरल का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यानी कि हैज वहां यूज होगा जहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट आता है। ये तो हुआ इसका मेन वर्ब का कॉन्सेप्ट। अब इसके यूज देख लो, हैव के प्रयोग, यूज ऑफ हैव। तो हमने पढ़ा हैव का प्रयोग हम परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। यानी कि हमने हैज हैव कहां पढ़े थे? पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, किसके रूप में? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। देखो एग्जांपल, शी हैज नॉट मेड एनी मिस्टेक, उसने कोई गलती नहीं की है। गलती करने को कहते हैं मेक मिस्टेक। ठीक है, उसने कोई गलती नहीं की है। यहाँ पे देखो हैज के साथ क्या आ रहा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज क्या हुई, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन सी हुई? मेड। शी क्या है यहाँ? सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या आया? हैज। नेक्स्ट, दे हैव नॉट मेड एनी मिस्टेक, उन्होंने कोई गलती नहीं की थी। ये दे हैव नॉट मेड एनी मिस्टेक, उन्होंने कोई गलती नहीं की है। ये भी परसेंट परफेक्ट का यहाँ पे हैव आया। हैव क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। ठीक है, नेक्स्ट, आई शी ही दे हैव नॉट सीन द ताजमहल बिफोर, यानी कि मैंने, उसने, उसने, उन्होंने पहले ताजमहल नहीं देखा था। अब ये था क्यों बोल दिया? वरना था इसी बोल दी, इसलिए बोल रहा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा? हैड। क्या आया हुआ यहाँ पे? हैड, यानी कि पास्ट में चली गई बात। ठीक है, और हैड का सब्जेक्ट कोई हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सबके साथ हैड। नेक्स्ट, वी शैल नॉट हैव कंप्लीटेड द टास्क, हम टास्क पूरा नहीं कर चुके होंगे। क्या है? फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, उत्तर क्या है यहाँ पे? हैव दिख रहा है, यू हैव काम कह के कर रहा, जबकि शैल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो हैव क्या है यहाँ? हेल्पिंग वर्ब की भी हेल्पर है। ठीक है, शी हैज बीन वेटिंग फॉर मी फॉर एन आवर, वह एक घंटे से मेरा इंतजार कर रही है। ये आ गया हैज किसके रूप में? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। इस सेंटेंस में भी दे हैड, यहाँ भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक है, क्योंकि मेन वर्ब कहाँ है? प्ले। यहाँ पे क्या है? वेट। अब देखते लो कुछ स्पेशल यूज, स्पेशल यूज ऑफ हैव। अब हैव क्या हो सकता है? हैज हो सकता है, हैव हो सकता है, has, have, had, इनके साथ नाउन जोड़ दो। जैसे कि मैंने जोड़ दी have tea, have tea का मतलब हो गया चाय पीना, have lunch का मतलब हो गया भोजन करना, have a dream का मतलब होता है सपना देखना। ठीक है, means खाना पीना लेना देना करना स्नान करना आदि, ये सब भी बोल सकते हैं हम किसकी हेल्प से? have tea। देखो जैसे I have tea in the morning, मैं सुबह को चाय पीता हूँ। यहाँ पे have क्या काम कर रहा? मेन वर्ब का, मेन वर्ब का काम कर रहा। ठीक है, आई हैव टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह को चाय पीता हूँ। देखो पीने के लिए क्या लगा दिया? हैव। आई हैड ए लाफ, मुझे हंसी आ गई थी। आई हैड ए लाफ, मुझे हंसी आ गई थी। ठीक है, यो क्या हुआ यहाँ पे? काय का काम कर रहा? मेन वर्ब, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई हैड ए लाफ, मुझे हंसी आ गई थी। हैड लाफ मीन्स होता है हैव लाफ, हैव लाफ मीन्स होता है हंसी आ जाना। ठीक है, जब हम किसी पर हंसते हैं और जिस पर हंसते हैं लाफ के बाद क्या लगा देते हैं? एट, और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसके बाद हंस रहे हैं। ये कुछ हैव के स्पेशल यूज थे। अब हमें पता एक यूज और है, एक यूज और है हैव का। क्या यूज है? हैव का मीन्स होता है पास या रखना। ठीक है, जैसे ट्रांसलेशन में मीनिंग क्या होता है हैव का? हैव मीन्स
आई हैव यानी कि मेरे पास है या मैं रखता हूँ, ठीक है। तो हैव का मीन्स होता है पास या रखना, ये कहने का काम करे मेन वर्ब का। देखो कैसे इसके अलग अलग प्रयोग है, कैसे कैसे देखो, जब सब्जेक्ट के पास कोई वस्तु थिंग हो या थी या रखता हो या रखता था, ठीक है, यानी कि कोई नाउन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कोई नाउन, ठीक है, तो वहां पे क्या यूज होता है, हैव का। और हैव अपने टेंस के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव हैड में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, हमारा प्रेजेंट वर्ब आता है तो क्या आ गया यहाँ पे, है, ठीक है। या इसका दूसरा मीन्स है मैं एक कार रखता हूं, दोनों को क्या बोल लेंगे, आई हैव ए कार, आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी या मैं एक कार रखता था। यहाँ पे हैड क्यों आया, हैड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा था, थी के बाद चली गई पास्ट में, समझे। दूसरा देखो, जब किसी रिश्तेदार या रिश्ते की संख्या होना बताया जाए, ठीक है, जब किसी रिश्तेदारों की या रिश्तों की संख्या या रिश्तों के बारे में बताया जाए तो वहां पे भी हैव का यूज हो सकता है। कैसे कैसे, देखो उसकी दो बहनें हैं, शी हैज टू सिस्टर्स, हैज के बाद नाउन, टू सिस्टर्स, ठीक है, उसकी दो बहनें, शी हैज टू सिस्टर्स। नेक्स्ट, एक राजा के पांच पुत्र थे, ए किंग हैड फाइव सन्स, एक राजा के 100 रानियां थी, ए किंग हैड 100 क्वींस। तो यहाँ पे था थी थी आ रहा तो हमने क्या कर दिया, हैड, क्योंकि बात कहां कुछ आनी पास्ट में। जब किसी बीमारी के बारे में बताया जाए, मुझे जुकाम है या मुझे जुकाम हो रहा है, तो हम कैसे बोल सकते हैं, आई हैव कोल्ड, ठीक है, ऐसे बीमारी के नाम बताने के लिए या बीमारी के बारे में बताने के लिए हम हैव का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे जुकाम है तो आई हैव कोल्ड, मुझे जुकाम हो रहा है, आई हैव कोल्ड, मुझे फीवर है, आई हैव फीवर, मुझे मुझे बुखार हो रहा है, आई हैव फीवर, हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। उसके भाई को कैंसर था, हिज ब्रदर हैज कैंसर, ठीक है भाई, यहाँ पे क्या था थी थे तो हमने क्या लगा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ एक्स्ट्रा यूज, जैसे हर व्यक्ति में दिमाग होता है, एवरीवन हैज माइंड, यहाँ पे देखो कैसे कैसे यूज हो रहा है। नेक्स्ट, कुत्ते की एक पूंछ होती है, द डॉग हैज ए टेल, यानी कि कुत्ता भी कुछ ना कुछ रखे, कुत्ते के पास भी एक पूंछ है, समझे, द डॉग हैज ए टेल, उसे केवल एक ही दुखता, यानी कि अब उसे केवल एक ही पुत्र था, उसे केवल एक ही दुखता, उसके पास केवल एक ही चाकू था, सब का ऐसा बन जाएंगे ही हैड्स, ठीक है, ही हैड ओनली वन ग्रीफ, ही हैड ओनली वन नाइफ, ही हैड ओनली वन बाइक, ही हैड ओनली वन फोन, ही हैड ओनली वन, समझ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, मुझ में कुछ विशेष गुण है, मुझ में कुछ विशेष गुण है, मेरे पास कुछ विशेष गुण है, या मेरे पास कुछ विशेष हथियार है, या मेरे पास कुछ विशेष पैसे हैं, तो कुछ भी हो तो क्या हो जा, आई हैव सम स्पेशल क्वालिटीज, यहाँ पे आई के साथ क्या आ गया है, क्योंकि यहाँ देख लो यहाँ क्या आ रहा है, बात आगे चली प्रेजेंट। नेक्स्ट, इस नाटक में विचित्र किरदार है, इस नाटक में विचित्र किरदार है, जिन्हें देख के भी वो लगे डर, तो कैसे बोल लेंगे, दिस ड्रामा हैज स्ट्रेंज कैरेक्टर्स, स्ट्रेंज माने होता है अजीब या विचित्र, कैरेक्टर्स मीन्स किरदार, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाल लंबे हैं, शी हैज लॉन्ग हेयर, शी हैज लॉन्ग हेयर, यानी कि ऐसे भी बताने के लिए क्या करते हैं हम, हैज या हैव का इस्तेमाल, मैं कहने लगा उसके बाल लंबे थे, शी हैज लॉन्ग हेयर, यहाँ हैज का क्या कर देंगे, हैव, ठीक है। मेरे बाल काले हैं, माई हेयर इज क्या हो जाएगा, ब्लैक, ऐसे भी बोल सके, और दूसरा कैसे बोल सके, आई हैव ब्लैक हेयर, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसा अच्छा लगे वैसे बोल लो भाई, हैज का भी यूज कर सके ऐसे सेंटेंस में। तो इसका स्ट्रक्चर देख लो, इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्या रखते हैं, सब्जेक्ट, जो दिखाई कैसे देता है, लगता कैसे ऑब्जेक्ट के जैसे, ठीक है, फिर रखते हैं हैज या हैव या हैड, यानी कि सेंटेंस की डिमांड पर, अगर हमको क्या बोलना है, सेंटेंस में हम है बोल रहे हैं तो हैज है, और था थी भी थे बोल रहे हैं तो है, प्लस में नाउन यानी कि कुछ भी चीज जो इनके साथ जुड़ा के हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा हैव का कॉन्सेप्ट, और हैव आगे जब पढ़ाएंगे और हैव के बारे में और डीपली पढ़ाएंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि हैव पॉजिटिव वर्ब भी होता है, ठीक है, हैव के और बहुत सारे प्रयोग है, धीरे धीरे हम हैव पर क्या कर लेंगे, PhD कर लेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, लगातार हमारी क्लासेस को देखते रहिए।
क्लास वन पहले हो चुकी थी, ये क्लास टू है, ठीक है, फिर क्लास थ्री आएगी, उस क्लास थ्री में हम पढ़ाएंगे आपको मोदाल, कैन कुड मे वाइट वुड शुड विल सेल यूज्ड टू ओट मी डियर, सारी की सारी, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ।